व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में जो है ना हम लोग LG वेलवेट स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने लगे हुए हैं। इसमें जो है ना 5 कलर्स आते हैं, पर फिलहाल हमारे पास 3 कलर्स अवेलेबल है, जो कि सिल्वर, ब्लैक और रेड। और वाइट कलर भी आता है और एक रेमो कलर आता है, जो कि अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आप लोग दूर से ही देखो, ये मोबाइल काफ़ी शाइनिंग और प्रीमियम लुक दे रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसका अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आपको 6.8 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें जो है ना आप लोग को एज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और सेकंड इसके अंदर जो है ना आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाती है। अगर ये मोबाइल जो है ना, अगर आप लोग लेते हो गेमिंग के लिए, और अगर आप लोग कैमरे के लिहाज से लेना चाहते हो, और आप लोग चाहते भी हो कि यार ऐसा मोबाइल हो जो कि हमारी रेंज में भी आ जाए और उसका डिस्प्ले वगैरह भी मतलब गेमिंग के लिहाज से बेहतर हो, तो यार ये वाला मोबाइल मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। तो यार इसके बैक पे जो है ना आप लोगों को 3 कैमरा लेंस और एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका बैक कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। जैसे कि चाइना ब्रांड होते हैं ना, वीवो, ओप्पो, उनमें जो 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल ये लोग लिख देते हैं, पर होता नहीं। आप लोग को मतलब वही थके हुए कैमरे देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर ये जो है जितना लिखा है ना ये लोगों ने, उसी हिसाब से VIP कैमरा है। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा दोनों VIP कैमरा है। देखो, अगर LG की बात की जाए ना, तो ये इतना मार्केट में मशहूर अभी के फिलहाल ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो आईफोन, सैमसंग और वन प्लस चल रहा है। ठीक है, LG के बारे में यार लोगों को इतना काफ़ी मालूम नहीं, क्योंकि पिछले जो LG के मॉडल्स आ रहे थे ना, वो काफ़ी इतने अजीब से थे कि LG का मार्केट से नाम ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है। LG की LED वगैरह वो सब चल रही हैं, पर मोबाइल में अभी तक इसका कोई इतना। पर ये जो मॉडल अभी लॉन्च हुआ ना, LG वेलवेट, रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2020 में ये, ठीक है। और इसका जो है LG का ये LG वेलवेट वाला जो है ना मॉडल, ये काफ़ी आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, क्योंकि इसका लुकिंग वाइज और इसके जो फीचर्स वगैरह के काफ़ी औसम है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइस बता दूं, ताकि आप लोग कंपेयर करने में आप लोग को आसानी हो। ये वाला जो मोबाइल है ना, वो आपको जो है मार्केट में 38,000-37,000 इतना का मिलेगा। पर अगर आप लोग मोबाइल रेट से लेते हो, तो आप लोग को ये आराम से 35,000 में इंशाल्लाह अच्छी A1 क्वालिटी, इस तरीके की क्वालिटी में मिलेगा। कोई भी मतलब कोई फॉल्ट नहीं होगा, ऑल ओके। और ये कंडीशन आप लोग देख सकते हो, जेन्युइन कंडीशन होगी, ठीक है। आप लोग को जो है ना ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग मार्केट में फ़ोन देखने जाते हैं ना, तो आप लोग वही चाइना के मिलते हैं, ओप्पो, वीवो, इतने कोई खास उनमें प्रोसेसर नहीं होता, मीडियाटेक प्रोसेसर होते हैं, आपकी गेमिंग भी नहीं चलती, और आप लोग का हैंग इतना होता है कि यार आप लोग दिल करता है फ़ोन को तोड़ दो। पर ये वाला जो फ़ोन ऐसा है ना, मेरे को इसमें एक मेन और अच्छी बात ये लगी कि इसमें आप लोग को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वो भी इतनी प्राइस में। मतलब स्नैपड्रैगन भी कोई 600-500 स्नैपड्रैगन नहीं है, इसमें जो आप लोगों को 760 स्नैपड्रैगन देखने को मिल रहा है। और गेमिंग के हिसाब से अगर ज़्यादा तो ट्रेंड पर पबजी है, तो मैं इसी का ही बताता हूँ। वो पबजी में जो आपको 60 FPS देखने को मिल जाती है। सेकंड ये कि ये फ़ोन जो है ना 5G फ़ोन है, अगर अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में 5G ही नहीं, जब होगी तो 5G सपोर्ट करेगा। सर, अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो इस फ़ोन में जो है आप लोग को 4300 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि यार एक काफ़ी इस प्राइस रेंज में अच्छी बैटरी है। और ये अगर आप लोग गेमिंग के लिहाज से बैटरी को कंपेयर करो, तो आराम से आपके 2-3 घंटे चल लेते हैं, और नॉर्मल यूज़ में तो आपका एक दिन आराम से चल ही जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग यार इसका स्टाइल देख सकते हो, इसकी डिस्प्ले वगैरह, मेरे को तो ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम और अच्छा लगा, मतलब बजट के हिसाब से बेहतरीन फ़ोन है। और अगर आप लोग इसका PTA अप्रूव की तरफ जाते हो, तो वो कुछ आप लोग को 45,000-50,000 के दरमियान में मिल जाएगा मार्केट में, वो भी मैं पाकिस्तान की मार्केट बात कर रहा हूँ, इंडिया रेट मुझे मालूम नहीं है। बाकी यार मैं आपको कुछ इसके कैमरा के रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इसका कैमरा का रिजल्ट कैसा आ रहा है। आप लोग इसमें इसकी डिटेल वगैरह देख सकते हो, पिक्सल फोटोशूट के दरमियान कुछ भी नहीं गिरता। और अगर आप लोग चाहते हो कि यार मोबाइल ऐसा हो जिसमें फोटोशूट भी अच्छा हो, हमारी गेमिंग भी चल जाए VIP करके, तो आप लोग ये वाले मोबाइल की तरफ जा सकते हो। इसमें आप तो पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आपको डिस्प्ले एक तो अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, गेमिंग के लिहाज से। सेकेंड ये कि आपको इसमें कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, और ये मोबाइल बिल्कुल भी लेग से, मतलब इसमें लेग वाला वायरस ही नहीं है मोबाइल में, ठीक है। लेग तो होता ही नहीं, वो तो आप छोड़ दो, मैंने आपको क्योंकि बता दिया था इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। बाकी यार ये LG वेलवेट आपको फ़ोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग ये चाहते हो कि यार इसके ऊपर गेमिंग के लिहाज से कोई वीडियोज़ वगैरह है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए। बाकी यार अगर आप लोग ये LG वेलवेट और गेमिंग बेस्ड मोबाइल लेना चाहते हो, तो आप लोग को जो है ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल ट्रेड हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें सिर्फ ये मोबाइल्स नहीं, हर तरीके के मोबाइल्स जो आप लोग चाहेंगे वो आपको ऑर्डर पे भी मिल जाएंगे, और जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वो भी आपको बता देंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।